Assalamu alaikum, welcome to Farah Mirza vlog. Hope you all well and good. So finally aaj ka vlog hum abhi se is waqt se start karte hain. Ummeed karti hu ki aap log pichle vlogs dekh ke bahut khush ho rahe honge aur is vlog ka be-intaha dil se intezar kar rahe honge, kyunki aaj ka vlog jo hai bahut hi special vlog hai aur aap sabko meri taraf se specially advance Eid Mubarak. और भाई आज चांद रात है माशाल्लाह से, और आज का जो दिन है वो बहुत 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 अच्छा गुजरने वाला है. ठीक है, तो अभी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. तो अभी जो मेरा फर्स्ट पार्ट है जो कि बहुत स्पेशल है, मेरी लाइफ का सबसे अनमोल दिन आज है, जो कि माशाल्लाह से चांद रात मुबारक भी है. और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो एक अचीवमेंट, आप लोगों को पता है जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ नई से नई अचीवमेंट मुझे हासिल होती है. व्लॉग इतना लकी है मेरे लिए कसम से. तो भाई जो आज की अचीवमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर तक 2 मिनट के अंदर अंदर शेयर करने वाली हूँ. सो व्लॉग को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा. और जो आज का चांद रात की रूटीन है, चांद रात को लड़कियाँ क्या करती हैं, क्या करने वाली हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी इस व्लॉग में. व्लॉग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. और ये मैंने नेल आर्ट करवाया है, पहले बता दूँ बहुत अच्छा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था. सो फाइनली अभी मैं छत पे हूँ, तो छत पे बैठ के मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया कि भाई छत से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ की हवा और यहाँ की ताज़ा धूप से बहुत अच्छा व्लॉग इंशाल्लाह स्टार्ट होगा. सो नाउ गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं व्लॉग को. और आप लोगों को आज की जो रूटीन है और आज की चांद रात की स्पेशल डे जो लड़कियों के लिए बहुत स्पेशल होता है वो शेयर करने वाले हैं. 1 2 3 गो स्टार्ट. सो फाइनली अभी जो टाइम था वो हम आ गए हैं अपना कैश निकालने. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अपना कार्ड वगैरह डालूंगी. ठीक है, निकलने वाला है हमारा कैश. यहाँ पे हमारी बहुत यादें हैं कसम से, ये वाला टाउन एरिया बहुत ज़बरदस्त है हमारे. माने के पैसे हैं सारे के सारे, इसकी ईदी है माने, आपकी ईदी. और आज माने को नैया करनी है, मेरी माने इतनी प्यारी बनेगी माशाल्लाह. गुड, सो फाइनली आज का व्लॉग करते हैं आज की खूबसूरत शाम से स्टार्ट, जो कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आज है चांद रात, जो कि सब गर्ल्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है. ठीक है, और आज का व्लॉग हम अभी से भाई इधर से मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में शोर बहुत है. तो भाई जाते हैं, मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग गई कि पहले सबसे पहले मैंने शॉप पे गई हूँ. आप ये मैं थे, हमने जूस लिया, फिर यहाँ से परचेज़ किया. ठीक है, और जूस लेने के बाद हमने पीने की कोशिश की है, फिर हमने वो पिया. तो भाई हम बाज़ार में थे तो सब देख रहे थे कि यार रोज़ा है, लास्ट रोज़ है, लास्ट रोज़े पर तो बख्श दो, लास्ट रोज़े पर तो हम बख्शे जा सकते हैं यार, बाज़ार जाना आना होता है. उसके बाद यहाँ से मैंने खुसा परचेज़ किया. ठीक है, तो और उसके बाद मैंने एक जूता लेना था, मैंने यहाँ पे जूते देख रही थी कि कैसे सभी मुझे एक डिज़ाइन के लग रहे थे, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं. और कैमरा मैन इतना था कि उसका हाथ कैमरे के आगे था, हर बिल्कुल भी. और मैं देख रही थी यार मैं कौन सा लूँ, सारे एक ही जैसे शूज़ थे. ठीक है, डिफरेंट बहुत कम होंगे. तो मैंने ये ट्राई किया पहनने के को मतलब किया, बट मेरे को थोड़ा सा ना थोड़ा सा मतलब लूज़ या टाइट था, इतने सा टाइट था, फिर मैंने ना मतलब नहीं लिया ये. उसके बाद मैंने एयर रिंग्स देखे,
इसमें से भी मैंने एक दो परचेज किए हैं। उसके बाद भाई मैं कॉस्मेटिक्स लाइक चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, चूड़ियाँ ली हैं सारी। तो मेरे को चूड़ियाँ यू नो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, चूड़ियाँ सारी ली हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है चूड़ियाँ की। मैंने तकरीबन 5 से 6 जोड़े लिए हैं चूड़ियों के। तो इनमें से मैंने बताती हूँ कौन सा लिया। वो ऊपर जो पड़ा है ना येलो वाला लाइट, वो लिया, ब्लैक लिया, ठीक है। और बस चूड़ियाँ भी ले ली थी मैंने। उसके बाद भाई लास्ट पे मुझे एयररिंग्स पसंद आए थे, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। ये मेरे को ना मैंने दिए ज़रूर पर मुझको डालने नहीं आ रहे थे, फिर मैंने ये नहीं लिया। फिर मैंने ना लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस टाइप के मैंने लिए हैं। ये रहे एयररिंग्स, वो जो लंबे लंबे एयररिंग्स हैं ना जिसकी, वो हैं क्या कहते हैं जो भी, बस मैंने वो ले लिए, ठीक है। उसके बाद मिरर में मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ बाज़ार पे कितना रश है। शुक्र है हम थोड़ा जल्दी चले गए तो इसलिए रश कम था। तो उसके बाद मेरी सिस्टर ये ब्रेसलेट्स देख रही, बट इसको पसंद ही नहीं आ रहे थे। ये दुनिया में कौन सा पता नहीं आखिरी अजूबा यही थी। ये चूड़ियाँ मेरे को पसंद नहीं, बट मेरे साइज़ की नहीं थी तो मैंने परचेज़ नहीं की। ये मैंने एक डॉलर वाली रिंग परचेज़ की, एक ब्लू और एक पिंक, ये तीनों रिंग। ये देखो रिंग्स जो पहनी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक परचेज़ करनी थी, लिपस्टिक वगैरह परचेज़ की है, ठीक है। लिपस्टिक ठीक है, मतलब मेरे लिए हाथ से बेस्ट है, तो आगे देखते हैं क्या चक्कर है। ये लिपस्टिक है, ये आप ही कह रहे थे मुझे कलर बताओ, मैंने कलर है ना। फिर मैंने ये लिपस्टिक परचेज़ की, ठीक है। इसका कलर ये वाला अच्छा कलर था, मेरे को थोड़ा सूट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दूसरी ट्राई की, बट यार यहाँ पे ना क्या था उसका नाम, बोंगी, इतनी बुरी लिपस्टिक लग रही थी कि मेरे को कोती हो रहा था कि फिर तूने क्या, ये तेरे को तो लेते हुए भी शर्म नहीं आई। बट मैंने इसको परचेज नहीं किया, मैंने उस वाली लिपस्टिक थी कि ना कोई कलर तो अलग ही, लड़कियाँ बहुत लगाती हैं ये वाली लिपस्टिक, उनको अलग सा शौक होता है। ये पता नहीं क्या ना इसका कोई कलर है, अजीब सा गंदा सा कलर है, मैं नहीं लगाती, बाकी ये लड़कियाँ बहुत लगाती हैं, ठीक है। उसके बाद भाई इतनी महंगाई हो गई है ना कि मेरी तो बस हो गई थी, तो लिपस्टिक वगैरह भी परचेज कर ली। उसके बाद मैंने फेशियल्स वगैरह आप ही लेने थे, और मैंने फेशियल नहीं है, फेशियल लेने के बाद भाई हमारा ये मार्केट वाला काम ख़त्म। फिर हमने ये खजूरें वगैरह लिए। उसके बाद लास्ट भाई मैं आ गई हूँ वापस घर, पर मैं ना सिस्टर के ड्रेस की लेस नहीं लेके आई थी, तो वो भाई स्पेशली दोबारा लेने गई हूँ। ये मैं हूँ और ये सात आंटियाँ मोटी मोटी खड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद ये भाई ये मेरा दुपट्टा पीक ओवर है, ठीक है, जो ईद पे मैंने पहना है वो उसके साथ का दुपट्टा है, वो पीक ओवर है, तो काफ़ी देर लग गया। अच्छा ये एक चीज़ नोट की, पीछे ये लड़का खड़ा, उसने देखा है व्लॉगिंग कर रही, वो पीछे होके, ठीक है, भाई खड़ा हुआ है साथ। मैंने उसको कह रही जल्दी हुआ नहीं हुआ, दुपट्टे पे बहुत अच्छी पाइपिंग से हो रही थी। उसके बाद भाई हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, हम बाज़ार से रवानगी फरमाने लगे हैं, और सभी देख रहे हैं कि यार कुड़ी व्लॉगर है, कितों आ गई इतनी सोनी व्लॉगर। तो फिर मैं व्लॉगिंग जाहिर से बात है करना तो एक है ना, तो फिर वो कह रहे थे भाई हंस रहा था, भाई कहते बंद कर दे बंद कर दे सारे देख करने। उसके बाद लास्ट काम हमने कुल्फ़ी वगैरह परचेज़ की, ये बहुत मज़े की थी। सो फाइनली अभी ना भाई मेहंदी वगैरह तो लग चुकी है, ये रही मेरी मेहंदी, ठीक है। अभी मेहंदी मैंने लगा ली है, अब इसके बाद देखते हैं कि मामा ने कहा था खीर वगैरह बनानी है, सारा कुछ करना है, तो मैंने तो लाइक देखनी है जिस मामा ने बना के आई थिंक रख दी है, वो भी देखते हैं कैसे बनाई है क्या किया, खीर और कस्टर्ड बनाया हुआ है हमने, देखते हैं। उसके बाद भी मैं घर आ गई बिल्कुल फ्रेश वगैरह हो गई, मेहंदी भी मैंने लगा ली है बिल्कुल A to Z, सारी मेहंदी फिक्स अप कर ली है, ठीक है। अब मैंने अपना जो जाना है पार्लर जाके मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग सारा कुछ करवाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ जो मैं बहुत मज़े से लेके आई हूँ स्पेशली। अच्छा उससे पहले और चीज़ या ये रहा खुडा, मेरी बिल्ली प्रेगनेंट है, ठीक है, उसके लिए मतलब सारा ये मैंने इसको पेंट करना है, रेडी करवाना है बिल्कुल A to Z सारा करवा के, ऊपर उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे नीचे वो हो गए हैं, दोनों इकट्ठे हुए जो जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मतलब स्टे करें यहाँ पे। उसके बाद मैं जो मज़े का पॉइंट है यहाँ पे भाई, मैं अपने लिए रात मैंने काम करना होता है तो ये मैं चीज़ें लेके आई हूँ। ये फ्रूट काला पता नहीं क्या गाला,
ये कहने मेरे को बहुत पसंद है। उसके बाद ये निम्को है, ये इस तरह की ना एक और निम्को थी वो बड़ी थी, उसके छोटे पैक थे, मैंने कहा ये मेरे को ज़्यादा पैक्स वाली चाहिए तो मैंने ये लिया। उसके बाद कोकोमो लिया है, उसके बाद जो न्यू वैरायटी जो मैं आजकल पापड़ सबसे ज़्यादा खा रही हूँ वो लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं खा रही हूँ भाई बर्गर पापड़, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बंटी पापड़, हांडी रोटी, सीख कबाब, और ये सबसे मेरे फेवरेट है मम्मी डैडी। उसके बाद ये खा रही हूँ ये पापड़ देसी कराही, ठीक है। ये सारे पापड़ वगैरह मैं लेके आई हूँ, अपने की चीज़ें खा रही हूँ, मतलब ये सारा कुछ लेके मुझे रात काम करना होता है इस वजह से, तो मैंने कहा पहले जाने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ। और मैं एक जूता लेके आई हूँ वो भी दिखा दूँ। ये जूता है, ठीक है, ये बाज़ार से लेके आई हूँ मैं, बहुत मज़े का है, ठीक है। और भी लेके आई हूँ चूड़ियाँ वगैरह, ये रही ये चूड़ियाँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ये है, तो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत जल्दी है, मैंने बाज़ार जाना उसके लिए निकलने लगे हैं। तो मामा देखती, मामा क्या कर रही है, मामा ने खीर वगैरह बना के रख दी है, ठीक है, चिकन बना रही है, रात को बना के रख देंगे सुबह ताकि हम ईजी होकर नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लें। तो अभी तो मैं जाने की बाज़ार, तो बाकी ये सारे घर वाले काम करेंगे और मैं जाके अपना डाइनिंग पेंटिंग सब कुछ कराऊँगी। क्लोज कर तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, बिल्कुल बाल में नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल लुक है, ठीक है। पार्लर से मैंने अपनी हर चीज़ करवा ली है, चांद रात का प्रॉपरली जो भी ट्रीटमेंट था सारा कुछ करवा लिया है, बिल्कुल। अब गुग्गा भाई आने लगे, घर जाने लगे, सो घर जाके मिलते हैं। ओके भाई, आप लोगों को एक और चीज़ बहुत मज़े की दिखाने की, पार्लर में चीज़ दिखाते हैं, ये रिकैट। ओए क्यूटी, ओए क्यूटी माने छोटू सा क्यूटी पाए माए सोनी काकी। यार आप लोगों को पता है मेरे को कैट्स बहुत पसंद है, तो मेरे घर पे भी माशाल्लाह बिल्ली है, इधर देखो इसके आइज देख जाते हैं। ओए चोने म्याओ, यार मेरे को बिल्लियां बहुत पसंद है, तो ये बहुत मेरे को बहुत क्यूट लगती है। सो फाइनली आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मैं घर आ गई हूँ। तो भाई अब ईद की, अब मेरे को नींद आई है, मैंने सोना है, थोड़ा रेस्ट करना है। तो अब मिलते हैं सुबह के व्लॉग में। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। उम्मीद करूँगी आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।